हेलो दोस्तों, आपका डिजिटल मोहित में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने एक्सेल शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है मोहित, उसके बाद से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डिजिटल मोहित यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद से हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कंप्यूटर लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैपटॉप। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी आप लिखते हैं, आपके एक्सेल शीट में कुछ भी लिखा होता है, आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो आपको अगर होम पे हैं तो यहाँ पर जैसे रिव्यू वाले ऑप्शन में जाना होगा आपको। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक प्रोटेक्ट वर्कबुक और एक प्रोटेक्ट शीट। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे हमको पासवर्ड देना होगा, जैसे हम पासवर्ड यहाँ पे दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद से क्या करना होगा, ओके करना होगा। ओके करने के बाद वही पासवर्ड आपको रीइंटर करना होगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद से हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हेलो लिखना चाहें तो यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं, यानी कि आपका जो एक्सेल शीट हो गया है यहाँ पर प्रोटेक्ट हो गया है, यहाँ पर कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जैसे आप कोई चीज लिखें, जैसे यहाँ पर मोहित लिखा है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डिलीट नहीं हो पा रहा है, यानी कि अब आपका एक्सेल शीट पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर ना कोई एडिट कर पाएगा, ना कोई चीज यहाँ पर लिख पाएगा, और आप जो चीज यहाँ पर लिखे हैं उसको कोई भी डिलीट नहीं कर पाएगा, यानी कि अब आपके एक्सेल शीट पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो पाई है। अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें एडिटिंग करना हो, कोई दूसरा बंदा नहीं है, आपको इसमें फिर से लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको फिर से जाना होगा, क्या करना होगा, अनप्रोटेक्ट शीट, इस पर क्लिक करने के बाद आपको वही पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप ओके करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेलो लिखना है तो यहाँ पर अब हम हेलो लिख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सीख गए होंगे कि अपने एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कैसे करें और अनप्रोटेक्ट कैसे करें, आप ये आसानी से सीख पाए होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर अभी तो एक टेलर है एक्सेल का, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको ये हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसे लग रही है।